चार चार पांच पांच छह छह लाख रैंक तक आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तीस तीस चालीस चालीस सीएससी की सीट्स वेकेंट रही हैं। हेलो गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे कि आपका आईपीयू का स्पॉट राउंड स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं कि सर आईपीयू के स्पॉट राउंड में कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। सर हमने आईपीयू में पहले ही एडमिशन ले लिया है, तो क्या मैं भी आईपीयू के स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हूँ? सर क्या मेरा अपग्रेडेशन हो जाएगा? सर मैंने अभी तक आईपीयू के किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था, तो क्या मैं आईपीयू के स्पॉट राउंड में बैठ सकता हूँ? इसकी डेट्स क्या क्या होने वाली है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस होने वाली है, कितनी रैंक तक के बच्चों को आईपीयू में कॉलेजेस एंड अच्छी ब्रांचेस मिल जाती हैं, तो ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में लास्ट तक क्लियर कर रहा हूँ। बहुत मेजर डाउट स्टूडेंट्स का ये आ रहा है कि सर इसमें हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो यार देखो, चॉइस फिलिंग के लिए मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चॉइस फिलिंग का लिंक दे दूंगा, जो मैंने खुद से बनाया हुआ है। बिल्कुल बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, उससे बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। जैसे सीक्वेंस हो सकता था प्लेसमेंट वाइज, मैंने उसके अकॉर्डिंग लगाने की कोशिश की है। पहले USICT, फिर मेट महाराजा अग्रसेन, उसके बाद फिर सूरजमल, एंड देन उसके बाद भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम। इस तरह से मैंने पूरे सीक्वेंस में हर ब्रांच के साथ चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपके लिए बेस्ट बनाने की कोशिश की है, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यह तो चलिए बात कर लेते हैं आईपीयू के स्पॉट राउंड में कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो यार देखो, जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ था, जितने भी स्टूडेंट्स को पहले कॉलेज मिल गया है, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं स्पॉट में। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक आईपीयू के किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, किसी भी राउंड में नहीं बैठे हैं, वो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो यार सीधी सी बात ये है, सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है, नहीं किया है, जैसे भी है, सभी स्टूडेंट्स स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और स्पॉट राउंड आईपीयू का एक तरह से जैकपॉट राउंड होता है। चार चार पाँच पाँच छः छः लाख रैंक तक आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि यार हमें तो बहुत अच्छा कॉलेज पहले ही मिल गया आईपीयू में, तो हम क्या करेंगे स्पॉट राउंड में जा करके, तो यार देखो, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको पहले कॉलेज अगर अच्छा मिल गया है, तब भी आप स्पॉट राउंड में जरूर बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी अगर आप इसमें वेकेंट सीट देखोगे, तो यार आप देखोगे तीस तीस चालीस चालीस सीएससी की सीट्स वेकेंट रही हैं महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल जैसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। तो यार मैं तो यही कहूंगा कि आप जरूर जाकर के स्पॉट में रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है स्पॉट राउंड। अगर आपको अभी तक आईपीयू के किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, स्पॉट राउंड में जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो। चॉइस फिलिंग जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से कर लेना, तो जो बेस्ट आपसे हो सकता है वो आपको जरूर मिल जाएगा स्पॉट में, क्योंकि स्पॉट में बहुत लो लो रैंक्स तक के बच्चों को कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर आपकी रैंक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक भी अगर रैंक है, तो आपको कॉलेज आराम से स्पॉट में मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है। तो इसका रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका 11 नवंबर तक रात 12 बजे तक चलने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है, कल रात 12 बजे से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि इसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा आईपीयू में एडमिशन लेने का। हो सकता है अगर सीट्स वेकेंट रही तो स्पॉट राउंड 2 भी हो जाता है, लेकिन जो आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल सकता है वो स्पॉट राउंड 1 में ही मिलेगा, क्योंकि स्पॉट राउंड 1 में ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स अपनी अच्छी चॉइस फिलिंग करके बेस्ट जो कुछ हो सकता है वो उसे ले लेते हैं। उसके बाद जो सीट वेकेंट रह जाती हैं, बहुत कम रह जाती हैं, अच्छी सीट्स नहीं रह पाती हैं, जैसे कि आपको स्पॉट राउंड 1 में अगर मिलना हुआ, तो उतना अच्छा आपको स्पॉट राउंड 2 में नहीं मिल पाएगा। तो यार जितने भी स्टूडेंट्स को अगर बेस्ट से बेस्ट चाहिए, तो स्पॉट राउंड 1 में काउंसलिंग कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो। चॉइस फिलिंग अगर चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स होते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, वहां मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है स्पॉट राउंड की। तो यार देखो,
अगर आपने आईपीयू का पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट जा रहे हो स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन करने, फिर आपको 2700 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ रही होगी। जैसा कि 500 आपके स्पॉट की फीस है, 1000 आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, 1200 प्लस देनी होती है। अगर आपने पहले 1000 दी हुई है तो अभी आपको 1200 प्लस 500 1700 रुपीज़ देने पड़ रहे होंगे। अगर आपने 2200 पहले दे रखे हैं किसी भी आईपीयू के राउंड्स में, तो अभी आपको ओनली 500 आईपीयू की रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ रही होगी, जो कि स्पॉट की रजिस्ट्रेशन फीस है। तो यार ये रजिस्ट्रेशन फीस की बात हो गई। अब इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो आईपीयू के स्पॉट राउंड 1 का रिजल्ट आपको 14 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि ऑफिशियल शेड्यूल में दिया हुआ है। आपको 14 नवंबर को स्पॉट राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, तो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही छोटी छोटी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ऑल द बेस्ट गाइस।